अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। साइंस का समर वेकेशन वर्क हमने आज शुरू करना है। इसके लिए आप अपने समर वेकेशन वर्क पे देखें। सबसे पहले दिन आपने यूनिट नंबर 1 के जो की पॉइंट्स हैं वो होमवर्क में करने हैं। होमवर्क शुरू करने से पहले आपने अपनी कॉपीज़ पे पेज नंबरिंग करनी है। इसके अलावा आपने इंडेक्स भी ज़रूर बनाना है और आपने हाशिया भी लगाना है, मार्जिन लाइंस लगा लेनी है पूरी कॉपी पे, और फिर आपने बहुत नीट करके अपना होमवर्क करना है। पेज नंबर 11 पे ये आपको की पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आपने लिखने हैं। इन की पॉइंट्स में आपको सेल की डेफिनेशन बताई गई है। इसके अलावा बताया गया है कि सेल में डिफरेंट ऑर्गेनाइज हैं। फिर आपको प्लांट और एनिमल सेल का बताया गया है, और जो है वो इसके अलावा बताया गया है कि सेल्स किस तरह से मिलकर टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन्स जो हैं वो स्पेसिफिक काम करेंगे और ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ये सारे पॉइंट्स आपने अपनी कॉपी पे बहुत नीट करके लिख लेने हैं। इन छुट्टियों में आपने कोशिश करनी है कि अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। जितना टाइम आपको मिला है इसे आपने बहुत अच्छी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज़ करना है। और क्योंकि आपको पता है कि जब आप समर वेकेशन के बाद वापस आएंगे तो आपका इसी सिलेबस में से पेपर लिया जाएगा, तो आपने इस सारे सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, बहुत अच्छा याद कर लेना है इसे, ताकि आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों और पेपर्स में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए इंशाल्लाह। फी अमानिल्लाह।